हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन जो है ना सुबह के 5:30 और 6 के दरमियान जो है ना टाइम है। अभी मैं सोई हुई उठ के आई हूँ, सीधा जो है ना फटाफट से आकर मैंने थोड़ा सा ब्रश वगैरह किया और थोड़ा सा मतलब फ्रेश वगैरह हुई, और उसके बाद जो है ना जाके हम उठाएंगे बच्चों को। और जो है ना कभी कभी मैं थोड़ा, जिस दिन मुझे कुछ काम सुबह मॉर्निंग में रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी भी उठ जाती हूँ, 5 बजे भी उठ जाती हूँ, वरना जो है ना 5:30-6 बजे के अराउंड जो है ना मैं उठती हूँ। तो उसके बाद जो है ना खुद को जो है ना फ्रेश करने के बाद जो है ना मैं बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि इन्होंने उठने में और फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहनने में ये सब कुछ करने में जो है ना थोड़ा टाइम लगाना होता है। और अभी बच्चों को जो है ना मैं उठा के तो बैठा ही थी, बस अभी जो है ना वो 5-10 मिनट ऐसे ही बैठे रहेंगे और उसके बाद जो है ना आ जाएंगे बाहर। और यहाँ पे अभी जो है मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को उठाने के बाद ना उनके लंच की और जो है ना जो उन्होंने ब्रेकफास्ट करके जाना है उसकी तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पे आज मैं लंच में देने वाली हूँ, मैं उनको ना एक एप्पल जो है वो कट करके दूंगी, साथ में जो है ना मैं उसको सैंडविच जो है ना ऑमलेट बना के, तो जो सैंडविच बनाते हैं वो वाला सैंडविच बना दूंगी, बड़ा सिंपल सा है। अंडे में मतलब प्याज टमाटर वगैरह और कोरिएंडर लीव्स नमक और काली मिर्ची डाल के ना वो वाला ऑमलेट जो है ना वो वाला मैं बनाऊंगी, और उसके बाद बस उसको जो है ना सैंडविच उसके बना देंगे। और यहाँ पे अभी जो है ना एग वगैरह मेरा बन गया है, और साथ साथ जो है ना मैंने थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए भी कर लिया है। तो यहाँ पे अभी जो है ना, और अभी ये अयान जो है उठ के इसने ब्रश वगैरह कर लिया है और इसने यूनिफॉर्म भी पहन लिया है, तो बस इसका सुबह ना कुछ रहता ही है कि मैंने ये नहीं तो वो नहीं। आपको पता आजकल के बच्चे जो है ना जंक फूड जो है ना ज़्यादा मांगते हैं, और स्कूल में जो है ना जंक फूड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मतलब इनका लंच बॉक्स जो है ना चेक होता है डेली बेसिस पे कि बच्चा क्या खा रहा है, ज़्यादा जंक फूड तो नहीं आ रहा, मतलब घर का ही बना हुआ खाना है। तो बस यही चलते मसले जो है ना सुबह सुबह बच्चों के। तो बस उसके बाद यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे, उसके बाद अभी जो है ना जस्ट निकलने लगे हैं, और अभी भी इसका कुछ ना चल ही रहा है कि मुझे ये नहीं तो वो, बस इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और हर बात पे ये छोटी बात पे जो है ना नाराज़ होता रहता है। और बस अभी बच्चे जो है जा रहे हैं, बच्चों के जाने के बाद जो है ना मैं भी अपने जो है ना छोटे मोटे काम करने जो शुरू कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे ना बच्चों के जाने के बाद सिर्फ 1 आधा घंटा मिलता है जिसमें मैं थोड़ा बहुत जो है ना कुछ काम कर पाती हूँ। मतलब पानी वाला, पानी का बहुत इशू है, तो इसलिए जो है ना मैं पानी वाला काम ट्राई करती हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही हो जाए। और अभी यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ना बेड वगैरह नीट कर लेंगे, क्योंकि जब हस्बैंड ने बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आना है, तो उन्होंने आके जो है ना थोड़ी देर बस लेटना होता है, उतने टाइम में जो है ना मैं बेड वगैरह थोड़ा नीट कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अभी जो है ना मैं कर लूँगी जो बर्तन निकले हैं ना सुबह बच्चों को लंच वगैरह बना के देने में या जो भी है, तो वो सारे निकाल के जो निकले हैं उनको वॉश कर लूँगी। और आज बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने ना मिल्क शेक दिया था, बनाना मिल्क शेक, तो बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं, हेल्दी भी और एनर्जीफुल भी। बच्चे सारे मतलब तकरीबन 10 बजे तो वैसे भी लंच ब्रेक वगैरह जो है ना हो जाती है, तो इसलिए इतना नहीं है। आपको पता मिल्क शेक वैसे भी थोड़ा जो है ना होता है, तो मतलब 1-2 घंटे तो उनके इजीली निकल जाएंगे। और अच्छा रखो, और यहाँ पे बस अगेन दोबारा से जो है ना हमारा साग आ गया है, और बस उसके बाद जो है ना मैंने बाकी सारे काम किए, और जो है ना हस्बैंड भी इसके बाद ऑफिस चले गए। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, नाश्ते में जो है ना लास्ट नाइट की जो सब्ज़ी ज़्यादातर घरों में जो है ना यही होता है, तो बस वही थी, तो वही नाश्ते में ना चाय और साथ सब्ज़ी थी। और यहाँ पे जो है ना साग वगैरह लाने के बाद कुछ मंथली ग्रोसरी जो है ना करनी थी वो लेके आई थी यहाँ पे, और टमाटर ख़त्म हो गए थे वो लेके आए थे, और साथ जो मैं अपने बच्चों के लिए सर में जो है हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वो लेके आई थी। और यहीं पे बस अभी ये सारा सामान जो है ना मैं समेटूंगी, और उसके बाद जो है ना
ये सारी चीज़ें जो है ना उनके डिब्बों में चावल चीनी वगैरह जो है ना मैं डाल दूँगी बस। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये साग वगैरह भी बनाना है। तो वैसे तो वो जो है ना अभी मुझे ये काम करते करते टाइम लग जाएगा, तो फिर जो है ना मुझे लगता है कि बच्चों के आने के बाद ही बनने वाला है। और यहाँ पे यान को जो है ना स्कूल से वापस ले आई हूँ, और आते ये फिर किसी बात पे जो है ना थोड़ा सा नाराज़ हो गया। और यहाँ पे इसको जो है ना स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था फुल अटेंडेंस का, तो बस अभी ये वही दिखा रही हूँ। और साथ में इसको जो है ना गिफ्ट भी मिला था छोटा सा, मतलब बुलबुले जो है ना ये बबल से इसको जो है ना साथ में मिले थे। और उसके बाद अभी जो है मुझे अपने और अभी जो है ना यान तो स्कूल से आ चुका है, तो मुझे अभी जो है ना मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मुझे इनके लिए दोपहर में जो है ना आलू वाले चावल बनाने थे। आज सुबह यान जो है ना मुझे कह के गया था, तो इसलिए जो है ना फटाफट से मैंने वो रख लिए। यहाँ पर जो है ना बड़े सिंपल से तरीके से बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया, उसको थोड़ा सा जो है ना ब्राउन करेंगे। उसमें मैंने जो तेज़ पत्ता होता है ना बे लीफ जिसको कहते हैं वो ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक से मसाले डाले थे, टमाटर था, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची, नमक, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, तो बस आलू को डाल कर मैंने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया और इनको मसाले के साथ ना आलूओं को भून लिया। उसके बाद इसमें जो है ना हम थोड़ा सा जो है ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंने आई थिंक योगर्ट भी ऐड किया है, और उसके साथ जो है ना पुदीना और हरा धनिया जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे। इससे जो है ना पुदीने और हरे धनिए से इसमें खुशबू जो है ना चावलों में बड़े मज़े की आती है। और यहाँ पे जो है मैंने चावल भी डाल दिए हैं, और बस चावलों को मैं 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना दम पे लगाऊंगी। इतने में चावल जो है ना हमारे हो जाएंगे। और जो है ना क्या कहते हैं आलूओं को मैंने थोड़ा सा पहले जो है ना गला मतलब उनको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, पानी डाल के पका लिया। उसके बाद जो है ना मैंने चावल ऐड किए हैं, और यहाँ पे जो है ना बस हो चुके थे 15 से 20 मिनट के बाद। तो मैंने साथ में जो है ना रायता भी बनाया था, सैलड था, और चावल जो है ना बहुत टेस्टी जो है बने थे। और यहाँ पे बस बच्चों को मैंने ना सर्व कर दिया था, बेटी को भी जो है ना लेके आ गई थी। तो बस उसके बाद जो है ना बनाते बनाते दोनों को जो है खाना मैंने साथ में ही दिया था। और उसके बाद मैंने अपने लिए जो है ना बनाई चाय, और उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ी बहुत स्टडी करवाई। और ये शाम का टाइम, शाम के टाइम में ना मैंने आज सब्ज़ी में बनाए थे कद्दू, और खाली कद्दू थे। साग जो है ना मैंने साग वगैरह जो है वो भी काट के रख लिया था, वॉश कर लिया था मैंने, तो वॉश करके ना उसको भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था। और शाम में बच्चों को ना मैंने आज मतलब नहलाया भी था उसके अलावा। और बस ये देखे मेरी कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो भी रेडी हो चुकी है, मतलब मैंने फटाफट से ना कद्दू बना लिए थे। और बनाई है मैंने आज ना फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाए थे बट अच्छे बन गए थे। यहाँ पे मैंने साथ में जो है ना साग भी रखा हुआ है। तो तकरीबन अभी 8:30 का टाइम है, तो बस मेरा साग भी जो है ना मैंने वॉश करके रख दिया था। और अभी ये कुछ साग था जो कि मतलब ऊपर होता है ना कि थोड़ा सा साग नीचे बैठे तो फिर ऊपर से डालेंगे, तो बस वही था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे, तो एक दो दिन बाद गए थे हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने जो है ना इसी में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए ब्रश देख रहे हैं, तो उनके लिए मतलब उनके हिसाब से उनकी एजेस के हिसाब से नहीं है, मतलब 0 to 5 था। तो मेरे बच्चे जो हैं मतलब एक 7 का है और एक 9 का है, इसलिए इनके लिए जो है ना इनमें ब्रशेस नहीं थे, तो फिर सोचा कहीं और से जो है ना ले लें। बाकी यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान जो है मतलब दालें वगैरह ये वो सब कुछ लिया था। और यहाँ पे जो है ना मुझे ये क्रॉकरी मतलब ये लिंक रोड विक्टोरिया जो अगर कहीं इधर मॉडल टाउन के एरिया में पास ही रहते हैं उनको तो पता होगा विक्टोरिया स्टोर का, तो यहाँ पे ना ये क्रॉकरी का सेक्शन था नीचे, तो मतलब बड़े मज़े की क्रॉकरी लगी हुई थी। आपको पता लेडीज़ की तो वैसे ही जो है ना वीकनेस होती है, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो बस जो है ना यहाँ से मुझे एक जो है ना नाइफ लेनी थी, और एक मुझे पूछना था एक जो है ना मतलब जूसर वो पूछना था, तो बस वो पूछ लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना
क्या कहते हैं, बस थोड़ा जो ग्रोसरी वगैरह करनी थी वो कर ली थी। और ये नीचे वाला सेशन है, और यहाँ पे ना ये वाले पॉट्स बड़े क्यूट लग रहे थे, मतलब डिफरेंट कलर के, पिंक कलर वाला तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो बस उसके बाद हम जो है घर वापस आ गए, शॉपिंग हो गई, बिलिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।